पहली बात तो बात तो आपने आपने अग्निवीर अग्निवीर पॉलिसी पॉलिसी आर्मी के आर्मी के लिए लिए क्यों बनाई? बनाई नहीं वो पे गिनी पिग बनाना था बनाना तो था तो पैरामिलिट्री पैरामिलिट्री को को उठाते, उठाते जो एक्टिव किया इसे एसएसबी किससे से लड़ाई कर लड़ाई रही कर है? रही है, एसएसबी एसएसबी सशस्त्र सशस्त्र सीमा सीमा बल बल किससे किससे लड़ाई लड़ाई कर कर रही रही है? है? पहली पहली बात बात तो तो आपकी आपकी एहसान एहसान नहीं नहीं कर कर रहे रहे पेंशन 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 दे दे के। यू आर नॉट जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट नहीं प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, कर क्योंकि सकते, आप क्या आप जानते हो जानते हो इंडियन इंडियन आर्मी आर्मी विल अपहोल्ड इट्स रहेगी। रहेगी। आप लोगों ने ना आर्मी में बहुत सारे पॉडकास्ट सुना होगा, बहुत सारे अफसर आके बहुत कुछ बोलते हैं, हमने ये किया वो किया, बट दिस मैन यार ना इन इनके लिए ना आज मेरे दिल से, आप लोग के दिल से रेस्पेक्ट बढ़ा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे दिल से स्पेशली इनके लिए आज रेस्पेक्ट बढ़ गया और काफ़ी हाई हो गया। पहले मैं जानता नहीं था, आज ही इनके पॉडकास्ट देखा मैं, जो अविनाश सारे जी जी पॉइंट पे इन्होंने बात किया ना, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात किया कि गवर्नमेंट को ये पता था कि इंडियन आर्मी कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा, नेवी एयरफोर्स, एंड बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जो इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स के सोल्जर होते हैं वो दस देश के लिए मर मिट जाते हैं, देश के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने हाल ही में देखा है जब आर्मी सोल्जर आप बनते हैं ना, तो वहाँ पर से ना आपको पैसे से ज़्यादा लगाव नहीं होता, आपको पता है इस महीने 50,000 आपकी पेमेंट आना है, इस महीने 40,000 आ गया, 10,000 कमाए, यहाँ तक ये तक नहीं पूछता, अगर पूछ भी लिया ना भाई कम क्यों आया, बोला इतने ही बस ठीक है, उसके पीछे नहीं पड़ता कि क्यों कम आया, ये लिखो वो लिखो, और पिछले 6 महीने से अलाउंस बढ़ाया अभी तक आया नहीं, इतने पीछे नहीं पड़ता। वो अपनी ड्यूटी अपने देश के लिए, अपने जो लोग पीछे है उनको प्यार करते हैं, उनके लिए मर मिट जाते हैं, उनके लिए हमेशा 24/7 बॉर्डर पे इन लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। सेकेंड थिंग बोला, अगर आपको टेस्टिंग ही करना था तो आप CISF में SSB में क्यों आपने यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि ये एक ट्रैप था, क्योंकि उनको पता है पैरामिलिट्री फोर्सेस कल खड़ा हो जाएगा रास्ते पे कि हमारा ऐसा क्यों है, अग्निवीर क्यों है, 4 साल में SSCGD में इसलिए नहीं हो रहा है, SSCGD में कौन जाता है, सिर्फ CAPF जवान जाते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जाते हैं, तो वहाँ पर इनको पता है कल ये प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन इनको ये भी पता था कि इंडियन आर्मी का कोई भी जवान अपनी इसके लिए देश को छोड़ के इतना घिनौना काम नहीं करेगा, कम से कम पैसे के लिए पेंशन के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अगर हम उनकी कम भी कर देते हैं तब भी नहीं करेंगे, और इन्हीं चीज़ों का उन्होंने फ़ायदा उठाया, बहुत गलत चीज़ उन्होंने किया। इनके पॉडकास्ट आप देखना पूरा, जाके मैं लिंक्स दे दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको अग्निवीर के बारे में बोला। जो तीसरी, जो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है इस सवाल को उठाने के लिए, उन्होंने बोला चलो जो भी एक ब्यूरोक्रेट है, जो भी राजनेता हो, उनकी काम है राजनीति करना, बट दो आर्मी ऑफिशियल्स वहाँ पर थे जब हमारा जनरल बिपिन रावत थे, CDS स्टाफ थे उस टाइम, अगर जब ये हो रहा था तब इन्होंने क्यों उसको अपोज नहीं किया? जनरल नरवणे साहब की भी इन्होंने बात किया, उन्होंने बोला जब आपको पता था ये स्कीम है, बाद में आपके एक बुक में लिखते हैं, उससे पहले जब आप थे तब क्यों नहीं ये स्टॉप किया गया, तब क्यों नहीं आर्मी नेवी एयरफोर्स के जनरल्स के द्वारा इसको बंद क्यों नहीं किया गया, अगर आर्मी लेवल पे एयरफोर्स नेवी लेवल पे इसको स्टॉप क्यों नहीं किया, ठीक है पार्लियामेंट से पास हो गया, कोई भी चीज़ पास हो गया, यहाँ पर से उसको अपोज क्यों नहीं किया गया, यहाँ से बंद क्यों नहीं किया जाए, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इन्होंने खुलासा किया, आपको मैंने थोड़ी सी दिखाया यहाँ पर, मुझे तो सुन के बहुत मज़ा आ गया। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी एक जो आर्मी में एक पैरा कमांडो यूनिट के ऑफिसर्स है, जो एक आर्मी है मेजर अविनाश, ये भी खुलासा कर रहे हो, जो एक्यूरेट पॉइंट पे बात कर रहे, चाहे वो CISF पे ट्रायल क्यों नहीं हुआ, दूसरा प्रोटेस्ट को लेके, तीसरा उन्होंने एवरेज एज की भी बात किया कि 19 साल का 22 साल का एक एक्सपीरियंस लड़का जो लड़ाई लड़ेगा, जो एवरेज एज इससे पहले था इंडियन आर्मी की 30 साल 32 साल, वो इससे अच्छा कर सकता है, और मैंने हर एक वीडियो में ये बताया भी है कि एक एक्सपीरियंस सोल्जर एक यंगस्टर से काफ़ी गुना अच्छा होता है, एक्सपीरियंस सोल्जर जो होता है ना वो लड़ाई लड़वाता है, करवाता है, टीम को लीड करता है और जीता के लाता है, जो अनएक्सपीरियंस सोल्जर उसके काम है जितना बोला जाए उतना ही करता है। अगर आप सोच रहे हो कि 20 साल का 22 साल का एक जोशीला बंदा ज़्यादातर लड़ाई लड़ सकता है, जब सामने मिलिटेंट या सामने आपके दुश्मन होना, तो अच्छे अच्छे की राइफल भी कॉक नहीं होता, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस ही आपके काम देता है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल उन्होंने सही बोला, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है। तो यहाँ पर एक्चुअली अग्निवीर स्कीम में बहुत गलत हुआ है आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ, इसमें मल्टीपल चेंजेस हो रहा है, वहाँ पर भी बात किया उन्होंने कि वोट नहीं मिला इसलिए अभी मल्टीपल चेंजेस के लिए आ रहे, तब क्यों नहीं आया, ठीक है, और इसको क्यों ना पैरामिलिट्री को ऊपर क्यों ना किया गया पहली बार, और मिलिट्री जो बैकबोन है इंडिया की, जो आगे जाके देश के लिए लड़ेगा, उसके ऊपर क्यों किया गया, बहुत सारे खुलासा है, और एक्चुअली इनकी पॉइंट सही है, आगे भी वीडियोस में हम इनकी वीडियोस लाएंगे और आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर आप बताइए, जो इन्होंने बताया मेजर अविनाश सर के लिए, एक कमेंट्स एक लाइक इनके लिए तो बनना चाहिए, #अग्निवीर क्लोज अग्निवीर लिख के आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस, जय हिंद।